नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरें। हिमाचल प्रदेश में आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, पूरी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए अब डालते हैं आज की तमाम खास खबरों पर एक नजर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के बाद अब तकनीकी शिक्षा बोर्ड भी अपनी सभी परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में करवाई है। इसके लिए प्रदेश भर में चल रहे बहुतकनीकी संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बोर्ड की ओर से सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए जाएंगे। नई दिल्ली में शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत जमा 9,242.60 करोड़ रुपए वापस मांगे। उन्होंने इसके लिए केंद्र से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को निर्देश जारी करने का आग्रह किया। ताजा बर्फबारी से मनाली मार्ग और दारचा श्रृंखला दर्रा यातायात के लिए बंद हो गया है। शनिवार को दोनों सड़क मार्ग से वाहनों को नहीं भेजा गया है। मनाली मार्ग में बर्फबारी के कारण फंसे करीब 400 से अधिक वाहनों और उनमें सवार करीब 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने शनिवार को पूर्व जयराम गवर्नमेंट द्वारा खोले गए और अपग्रेड किए गए 90 सरकारी स्कूलों को डिनोटिफाई कर दिया है। इनमें 36 सीनियर सेकेंडरी, 34 हाई स्कूल और 20 मिडिल स्कूल जो है वो शामिल है। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपनों को खास बनाइए सोनी ज्वेलर्स। आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने 191 हेडमास्टर और 65 प्रवक्ता पदोन्नत कर स्कूल प्रिंसिपल बना दिया है। इन्हें प्लेसमेंट आधार पर पदोन्नति दी गई है। पदोन्नत हेडमास्टरों और प्रवक्ताओं को प्रिंसिपल के पद वाले वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। शिक्षा सचिव ने शनिवार को पदोन्नति आदेश जारी करने के साथ ही नए स्कूलों में स्थानांतरण भी कर दिया है। फाइनल डोभी साइट से पैराग्लाइडिंग शुरू हो गई है। शनिवार को मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने साइट का विधिवत शुभारंभ किया। अब यहां पर मानव परिंदे उड़ते हुए नजर आएंगे। फ्लाइंग से उड़ान भरने के बाद पर्यटक जो है वो डोभी में लैंड करेंगे। एक फ्लाइट से करीब 3500 रुपये अदा करने होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में शनिवार को खेले गए महिला कबड्डी के फाइनल मुकाबले में 2 अंकों से चूककर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। इन खेलों में टीम का ये लगातार तीसरा पदक है। टीम ने पहले संस्करण में स्वर्ण और दूसरे संस्करण में रजत पदक जीता था। साइबर क्राइम पुलिस शिमला ने साइबर ठगी से बचने के लिए अनजान लिंक और वीडियो कॉल से दूर रहने की हिदायत दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि आजकल साइबर अपराधी विद्यार्थियों और हर उम्र के लोगों को फंसाने के लिए नए लुभावने तरीकों को अपना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब पवन हंस की उड़ान बंद हो जाएगी। इसके स्थान पर अब सरकार ओएसएस और हलोगी कंपनी में से एक कंपनी के हेलीकॉप्टरों का उपयोग करेगी। प्रदेश सरकार द्वारा आमंत्रित निविदाओं में 2 हेलीकॉप्टर के उपयोग के लिए निविदाएं मांगी गई थी। इन निविदाओं में पवन हंस कंपनी तकनीकी बीट से जो है वो बाहर हो गई है। पहाड़ों में हिमपात से पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद जगी है। ताज़ा हिमपात में मनाली सहित लाहौल की चोटियां निखर उठी हैं। पर्यटन नगरी मनाली में होटलों की ऑक्यूपेंसी 80% से नहीं बढ़ रही। आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, स्टीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर न
निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।